एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें उसने एक माइनर को फैसिलिटेट किया इस क्राइम के लिए। कोई किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा का हो, लॉ अपना मार्ग लेगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, हम लीगल मार्ग अपनाएंगे और इस केस में भी अपनाए हैं, आगे भी अपनाते रहेंगे, यही भूमिका हमारी है और हमारी रहेगी। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें आरोपी को गंभीर से गंभीर शिक्षा हो, विक्टिम को न्याय मिले, डिसीज के फैमिली को न्याय मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न करेंगे। वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड ऑन दिस काउंट। कल जो इंसिडेंट हुई है इसको पुलिस ने बहुत गंभीरता से लिया है। कल ही हमने इस केस में 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, जो कि नॉन वेलेबल सेक्शन है। इसमें नॉर्मली 304 ए जो कि एक फेटल एक्सीडेंट में लगता है, उस पे हम उसके अलावा हमने 304 आईपीसी के तहत कार्रवाई की है, क्योंकि एक अत्यंत हीनस इंसिडेंट था जिसमें एक एक्यूज्ड दारू के नशे में रैश ड्राइविंग करते हुए नैरो सड़क पे इस प्रकार से डेंजरसली गाड़ी चला रहा था। हमने कल ही कोर्ट को दो एप्लीकेशन मूव किए थे। एक कि ये केस एक हीनस क्राइम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में, जिसकी डेफिनेशन निर्भया कांड के बाद ऐड की गई थी। ये एक हीनस क्राइम है और इसमें सेक्शन 15 के अंतर्गत इस आरोपी के विरुद्ध एज एन एडल्ट ट्राई करने का जो प्रावधान है उसके तहत हमको परमिशन दी जाए। सेकेंड एप्लीकेशन हमने मूव किया था कि ये एप्लीकेशन पे निर्णय होने तक इस एक्यूज्ड को चाइल्ड रिमांड होम में इसको रिमांड किया जाए। अनफॉर्चुनेटली दोनों एप्लीकेशन हमारे कल रिजेक्ट हुए थे। हमने आज हायर कोर्ट में अपील करने की है हमने, और हमें विश्वास है कि हमें फेवरेबल ऑर्डर मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में जो सेक्शन 2 और सेक्शन 15 का प्रावधान है, इसको यूज करने के लिए हम पूरे पॉसिबल लीगल रेमेडीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं और उसको हम यूज करेंगे। सेकेंडली, कल ही हमने उसके फादर, एक्यूज्ड के फादर को सेक्शन 75 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई की, जिसमें उसने एक माइनर को फैसिलिटेट किया इस क्राइम के लिए। उसने उसको गाड़ी प्रोवाइड की, उसने उसको पार्टी में जाने के लिए फैसिलिटेट किया, उसको वहां दारू पीने के लिए उसको सब पैसे और बाकी सुविधा प्रोवाइड किए, इसके लिए उससे सेक्शन 75 के अंतर्गत कार्रवाई की। और साथ साथ जो पब ओनर्स और मालिक है जिन्होंने माइनर को, अंडर एज को अल्कोहल सर्व करवाया, उनके विरुद्ध हमने सेक्शन 77 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत कल कार्रवाई की है। आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि बहुत बार इस प्रकार की टिप्पणी की जा रही है कि पुलिस बाद में जागी और पुलिस शुरू से गंभीर नहीं था इस प्रकरण के लिए। मैं ये बताऊं कि ये घटनाक्रम कल सुबह से चालू हुआ है, जिसके पहले की मीडिया या लोगों ने इस इशू को टेकअप किया था, उसके पहले ही पुलिस ने इस प्रकार की कड़क भूमिका अपनाई है। कोई किसी भी इकोनॉमिक स्ट्रेटा का हो, लॉ अपना मार्ग लेगा, रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करेगा, हम लीगल मार्ग अपनाएंगे और इस केस में भी अपनाए हैं, आगे भी अपनाते रहेंगे, यही भूमिका हमारी है और हमारी रहेगी। मैं लोगों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि इसमें आरोपी को गंभीर से गंभीर शिक्षा हो,
विक्टिम को न्याय मिले, डिसीज के फैमिली को न्याय मिले, इसके लिए हम पूरी तरीके से प्रयत्नशील हैं, प्रयत्न करेंगे। वी विल लीव नो स्टोन्स अनटर्न्ड ऑन दिस काउंट। जो इस एरिया के लोगों का कुछ कुछ पब्स के बारे में, जो न्यूसेंस के बारे में शिकायत है, जो अंडर एज को लिकर सर्व करने की जो एक शिकायतें जो सामने आती है, टाइम के बारे में हम बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। 130 की जो आउटर गाइडलाइन है वो टोटली पुलिस का मैंडेटेड सब्जेक्ट है और हम पूरी तरीके से इसको इन्फोर्स कर रहे हैं। कल के भी इंसिडेंट में इस प्रावधान का कोई ऐसा वायलेशन हुआ है ऐसा प्रथम दर्शनी नहीं दिख रहा है, लेकिन अब हम संबंधित विभागों के साथ हम चर्चा में हैं और जल्दी से जल्दी ही एक्साइज विभाग, कलेक्टर, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इनके साथ मिलके जो भी पार्किंग स्पेसेस को जिन्होंने जिस इस प्रकार के पब्स ने जो चेंज ऑफ यूज किया हो, जिस पब्स के सामने ट्रैफिक के वायलेशंस हो रहे हो या कोई अंडर एज को लिकर सर्व कर रहा हो, इन सभी मुद्दों पे हम बहुत ही कड़क भूमिका लेंगे और इसमें पुलिस खुद ही इसमें इनिशिएटिव लेगी। ओवरऑल इस पर्टिकुलर केस में हम पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरी प्रोफेशनलिज्म के साथ इस केस को हैंडल कर रहे हैं। पुणे के नागरिक, अलग अलग लोकेलिटीज के हों या कल्याणी नगर के इन पर्टिकुलर हों, जो इनको न्यूसेंस का सामना किया जा रहा है उसको भी हम पूरी तरीके से रिजॉल्व करने के लिए प्रयत्नशील हैं। तो चश्मदस्त थे वो, पूरी गवाहते होते उनको भी कुछ मतलब पुलिस कर्मियों से दबाया गया है इस तरह से, इस प्रकार की आरोप कुछ सोशल मीडिया चैनल्स पे, कुछ प्लेटफॉर्म पे चल रहे थे। हमने उन लोगों से पूछा कि इस प्रकार की किसको दबाव दी गई है, ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है। अगर कुछ भी इस प्रकार की बात सामने आएगी, मैं ऑन कैमरा बोल सकता हूं कि इस प्रकार के पुलिस अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध अत्यंत कड़क कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने विटनेसेस को या फिरियादी के साथ दुर्व्यवहार किया हो या आरोपियों के साथ कुछ जरूरत से ज्यादा प्रेम दिखाया हो, दोनों ही प्रकरण में पुलिस अधिकारी अगर कोई शामिल पाए जाएंगे, बहुत ही कड़क कार्रवाई की जाएगी। शासन के तरफ से भी ये इस बारे में आदेश प्राप्त हुआ है, हमें बोला गया है। हम सभी सीसीटीवी बहुत ही बारीक तरीके से देख रहे हैं और इस प्रकार की कोई भी एबरेशन सामने आएगी तो बहुत कड़क कार्रवाई की जाएगी।